जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशुभ सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशुभ सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशुभ सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग दो या तीन सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार दो सोमवार या तीन सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।